हेलो फ्रेंड्स, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये नाड़ी का साग होता है, बरसात के मौसम में ये बहुत आता है, इसका साग बनाना बताने जा रही हूँ। देखिए, ये इस तरह का होता है, लंबी लंबी इसकी पत्तियाँ होती हैं और इसको हम वाटर स्पिनिच के नाम से भी, इंग्लिश में हम इसको वाटर स्पिनिच बोलते हैं। ये रिच ऑफ विटामिन ए होता है और आयरन इसमें बहुत अच्छा होता है, हेल्दी साग है। और बरसात के मौसम में ये 15-20 दिन ही मिलता है, हद मार के एक महीना मिलता है, इससे ज़्यादा ये नहीं आता है मार्केट में। तो जब भी आता है तो आप इसको ज़रूर बनाइए, हेल्दी होता है। मैंने ये देखिए इसको बाज़ार से ला के और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। अगर आपकी ये ऊपर की डंडी सॉफ्ट हो तो रहने दीजिए, और अगर हार्ड हो तो इसको तोड़ लीजिए और ऐसे इसको बारीक बारीक काट लीजिए। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से पहले धो लिया था फिर काट लिया है। और ये मैंने 4 हरी मिर्च ले ली है और लहसुन ले लिया है, 8 से 10 लहसुन ले लिए मैंने, छील के इसको बारीक काट लिए हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है, मैं इसको आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ। और मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें तेल डाला है, तेल को हम गर्म होने देते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून हम मेथी डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1 लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है मैंने, ये हरी मिर्च और लहसुन भी डाल देंगे, हींग डालेंगे 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाल दिया है, हींग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। बहुत ही टेस्टी ये साग बनता है और इसमें बहुत कम मसाले पड़ते हैं। और आप इसको बनाइए और खाइए, फिर आप देखिए कितना टेस्टी होता है ये खाने में। ये देखिए फ्रेंड, हमारा तड़का पक गया है अच्छे से। अब हम इसमें ये हम नाड़ी का जो साग हमने काटा था इसको डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि जो भी इसमें इसका मॉइस्चर है ये सारा अच्छे से रिड्यूस हो जाए। तो हमें अभी इसको पकने देना है। आप नमक डाल दीजिए इसमें स्वाद अनुसार, लेकिन नमक कम ही डालिएगा क्योंकि ये गल के बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। ये मैंने 1/2 किलो नाड़ी का साग लिया है तो अभी ये बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा जब बन जाएगा। आजकल फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें लोग बहुत कम बनाते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आजकल लोग जल्दी जल्दी जो चीज़ें बन जाती हैं, कट जाती हैं, वही प्रेफर करते हैं बनाना, इन सब मेहनत में नहीं लगते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बनानी ज़रूर चाहिए, सीजनल चीज़ें, ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदा करती हैं, बच्चों के आँखों के लिए। ये साग बहुत ही हेल्दी होता है, जैसे पालक होता है वैसे ये भी होता है। तो चलिए इसको हम थोड़ी देर भुनने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसका मॉइस्चर अच्छे से सूख चुका है, लेकिन अब हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और इसको हम भून के अच्छे से इसका पानी, जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर अभी आ रहा है ये देखिए, इसको हम सुखा लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा साग जो है लगभग लगभग तैयार हो गया है। अभी हम इसमें अब कुछ भी नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ नमक पड़ता है और ज़्यादा ऐसे कोई मसाले नहीं पड़ते हैं। ये सिर्फ नमक से ही इतना टेस्टी हो जाता है, आपको इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे, फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए अब हमारा साग भून चुका है, मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा साग तैयार है वाटर स्पिनिच का, या फिर इसको नाड़ी भी बोलते हैं, बहुत सी जगह इसको करेमुआ भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बहुत ही सिंपल ईजी है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा तीमझाम नहीं है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप कभी कभी बच्चों को ज़रूर ऐसी चीज़ें खिलाइए जिससे उनमें कुछ अच्छा न्यूट्रिशन जाए। आजकल के बच्चे बाहर का खा खा के बहुत ही अनहेल्दी हो गए हैं। तो फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ जो लोग कम बनाते हैं और भूलते जा रहे हैं, ऐसी रेसिपीज ज़रूर आप ट्राई करिए, वो बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।